उधर देवघर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने सभी को रोड सेफ्टी की शपथ दिलाकर की। इस दौरान सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम के तहत स्वर्णालय परिसर से रन फॉर सेफ्टी दोपहिया रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली का आयोजन मुख्य उद्देश्य शहर के मुख्य चौक चौराहे बाजारों में सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करना है, ताकि सड़क पर वाहन चलाने और वाले चालकों को जागरूक किया जा सके। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राज्य भर में इस अभियान को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज से एक महीने तक एक माह अवेयरनेस कैंपेन चलेगा। तो लास्ट ईयर देवघर जिले में 138 लोग रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हुआ था, और मतलब 2019 में, और 2020 में 107 लोगों का डेथ हुआ था। तो हम लोगों को इसको शून्य करना है, तो इसी के लिए ये जो बाइक रैली भी जो है ये चलाया जा रहा है, और अलग अलग गतिविधियां ये पूरा एक महीने में होंगे। और सभी लोगों से अनुरोध है कि हेलमेट जरूर पहने जो भी बाइक चलाते हैं, और जो फोर व्हीलर जो चलाते हैं वो सीट बेल्ट पहने, और गाड़ी का भी जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है और ड्राइविंग लाइसेंस जो रहता है उसी के साथ ही वो आगे।